हेलो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफा खुसूसन अला सय्यिद वलदि आदम व खातमिल अंबिया व अला आलिहिल मुस्तफा व अला कुम्मल अत्बाही मिनस सिद्दीकीन वस्सालिहीन वश्शुहदा أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون صدق الله مولانا العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حاضرين محترم उलमाए गिरामी, ये महफिल हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मीलाद पाक और आपके जिक्र खैर पर मुश्तमिल है। ये हमारी सआदत है कि हम उस ज़ात के ज़िक्र पाक के लिए सुनने के लिए यहाँ हाज़िर हुए हैं जिसकी बदौलत अल्लाह ताला ने आदम को वजूद अता फरमाया, मादूमात को मौजूदात की सूरत में पेश किया और नेस्त को हस्त में बदला। दूसरे लफ्जों में ये कहना पड़ेगा कि अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात को अल्लाह पैदा न फरमाता तो हम भी मादूमात में से होते, हमारा वजूद न होता। तो हमारा मौजूद होना ये आपके मरहूने मिन्नत है। किसी उस्ताद का शेर है कि आसमां सजदा कुनत बहरे जमीने पेशे जमीने के बरा, उस जमीन के सामने आसमान सजदा करता है कि जिस पर यक दो कस यक दो नफस बहरे खुदा बिनशीनंद, दो तीन आदमी दो चार घड़ियों के लिए अल्लाह की अल्लाह का जिक्र करने के लिए बैठ जाएं, उस जमीन के सामने आसमान सजदा करता है। तो असल में जो खुलासा है तखलीक का और जो मकसद तखलीक है वो अल्लाह ताला की जात का इरफान है और मकसद बेसत अंबिया है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि अल्लाह का जिक्र और उसके रसूलों का जिक्र दो अलग अलग चीजें हैं, इसलिए कि अल्लाह ने अपने भेजे हुए अंबिया को अपनी जात के इरफान के लिए दुनिया में हिदायत देने के लिए मखलूक को भेजा
तो उनका जो कुछ है वो अल्लाह का है, वो अल्लाह के पयाम्बर हैं, उनका एहतराम अल्लाह का एहतराम है और उनसे निस्बत अल्लाह से निस्बत है। हुदूद शरिया में रहकर इनका एहतराम करना और निस्बत रखना इन ज़वात मुकद्दसा से, ये मुसलमानों के लिए जुज़्वे ईमान की हैसियत रखता है। इन इब्तदाई कलिमात के बाद इस आयत करीमा की तरफ मैं आता हूँ जो मैंने पढ़ी है। इसमें खास तबके का अल्लाह ने जिक्र फरमाया, मुनाफिक तबके का, कि इज़ा जाअकल मुनाफिकूना, कि ऐ नबी जिस वक्त तेरे पास मुनाफिक आते हैं या आए, कालू नशहदो इन्नकल रसूलुल्लाह है, उन्होंने कहा कि हम गवाही देते हैं कि रसूल हैं। कुरान के अल्फाज पर तवज्जो चाहता हूं कि गोया सिर्फ मुसलमानों का ही ये विर्द नहीं कि वो शहादत दें इस बात की, या वो ये दावा करें कि हम शहादत देते हैं कि मोहम्मद मुस्तफा अल्लाह के रसूल हैं, ये सिर्फ मुसलमान ही नहीं कहते जो रासिखुल ईमान हैं, बल्कि वो लोग भी कहते हैं कि जिनके दिल में निफाक होता है, वो रिसालत मआब को जिस तरह आपको मानने का हक है या अल्लाह ने जिस तरह हुक्म फरमाया है उस तरह तस्लीम नहीं करते, लेकिन मोमिनों के साथ हाँ में हाँ मिलाने के लिए वो कह देते हैं नशहदो इन्नकल रसूलुल्लाह है, हम गवाही देते हैं, शहादत देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं, ये तो मुनाफिक भी कह देते हैं, ये तो मुनाफिक भी कहते हैं, सहाबा भी कहते हैं नशहदो इन्नकल रसूलुल्लाह है, सिद्दीक अकबर भी कहते हैं, फारूक आजम भी कहते हैं, उस्माने गनी भी कहते हैं, अलीउल मुर्तजा भी कहते हैं, तमाम सहाबे किराम यही कहते हैं इन्नकल रसूलुल्लाह है, कि हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। मगर उधर ये तबका भी कहता है नशहदो इन्नकल रसूलुल्लाह है, हम गवाही देते हैं कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तवज्जो चाहता हूं, अल्लाह ने मुनाफिकों की इस शहादत का कुरान में जिक्र किया, लेकिन सहाबा और उन गुलामों की शहादत का जिक्र नहीं किया कि ये लोग सहाबा भी गवाही देते हैं कि तुम अल्लाह के रसूल हो, मुनाफिकों की शहादत का जिक्र किया। इसकी क्या वजह है? हालांकि मुनाफिक जो है वो तो काफिर से भी बदतर है, तो सहाबा की शहादत का जिक्र नहीं किया इन अल्फाज में और बड़े खुले लफ्जों में उनका जिक्र किया, इसलिए कि अल्लाह को सहाबा की शहादत का इल्म है कि वो सिदके दिल से मोहम्मद को मानते हैं, उनकी शहादत की जरूरत ही नहीं है। आफ्ताब आमद दलीले आफ्ताब, आफ्ताब के आने की क्या दलील है कि दिन चढ़ा हुआ है, ये उसकी दलील है। लेकिन ये तबका जो है ये मुनाफिकों का है, ये हुजूर से वो ताल्लुक नहीं रखते जो हुजूर के गुलाम रखते हैं आपसे, ये दावा करते हैं नशहदो इन्नकल रसूलुल्लाह, अल्लाह ने फरमाया ठहरो, वल्लाहु यालमो इन्नकल रसूलो, अल्लाह जानता है कि तू उसका यकीनन रसूल है।